हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले तीसरे और आखिरी ओडीआई मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा 27 जुलाई को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग शाम 7 बजे से क्वींस पार्क स्टेडियम ओवल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक 138 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया की टीम 69 मुकाबलों में जीती है, वहीं वेस्ट इंडीज की टीम 63 मुकाबलों में जीती है। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए पिछले 10 मुकाबलों की, तो पिछले 10 मुकाबलों में इंडिया की टीम 9 मुकाबले जीती है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहां पर इंडिया की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। अब बात करें अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें टीम इंडिया की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, जीत पाएगी। इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11, तो हमें वेस्ट इंडीज की ओर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे साई होप और काइले मायर, वहीं मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर्स में देखने को मिलेंगे समारा ब्रूक, ब्रेंडन किंग, कप्तान निकोलस पुरन, रोमन पावेल और अकील हुसैन। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो इसमें मौजूद है रोमारियो सेफर्ट, अल्जारी जोसेफ, जाइडन सेस और हाइडन वाल्स। दोनों ही टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर दोनों ही टीमों का टॉप ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है और इनफॉर्म भी है। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में भी दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बॉलिंग लाइनअप में दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबर नजर आ रही हैं और इनफॉर्म भी हैं। इन दोनों के बीच हमें एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा, जिस तरह से पिछले दोनों मुकाबले देखे गए। इन दोनों के बीच हमें 320 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर पिच रिपोर्ट की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम वेस्ट इंडीज में। यहाँ के पिच आमतौर पर बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित होती है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 242 रन है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 174 रन है। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 413 है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 75 है। यहाँ पर अभी तक 312 हाईएस्ट चेज है, वहीं लोएस्ट डिफेंस की बात की जाए तो 119 है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के पास जीतने के 80% चांसेस होंगे। यहाँ पर आज बारिश होने के चांसेस ज्यादा है, लगभग 80% चांस है कि बारिश होगी। यहाँ पर हमें कुछ कम ओवरों का भी मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इस मुकाबले में भी इंडिया जीत पाएगी? इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉस और मैच से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं और उसी के साथ जिस मैच की वीडियो नहीं आ पाती है उन्हें हम प्रोवाइड कराते हैं टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है टीम इंडिया। हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया जीतकर वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप करेगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ज्ञान कोश। पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।